कैसे हैं आप लोग? और 9 आवर्स जॉब ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। और आज हम चलते हैं एक्सपोर्ट के एक स्टोर में, जहां मैं स्टोर भी संभालता हूं और मेरे साथ काम करते हैं त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, आप बताइए, बाकी लोगों को समझाइए कि स्टोर में क्या क्या काम हो सकते हैं, जिनको इससे थोड़ा बहुत समझ में आए और अपना भी काम इसमें जारी जारी रहें। उन्हें थोड़ा समझा दीजिए कि क्या क्या होता है, और ताकि वो खुद भी काम कर सके इस लाइन पे। स्टोर में यही सब काम होता है, ये टीम्स वगैरह संभालना पड़ता है। हाँ, इधर देखिए, और इसमें जो है ना, ये सब देखना पड़ता है। और क्या काम है, और ये इसको जो संभालना पड़ता है, इसी तरीके से ये सब काम होता है। देखिए, फैब्रिक स्टोर भी देखना पड़ता है। और बाकी लोगों को ये बताइए कि एक स्टोर में, एक गारमेंट में क्या क्या ट्रिम्स होते हैं, जैसे कि एक लॉजिक सिंपल सा, मतलब 4-5 ट्रिम्स ऐसा बताइए जिससे इनको पता लग जाए कि एक्चुअली गारमेंट्स में हम क्या क्या ट्रिम्स संभालते हैं। ये थ्रेड है, जिप है, और हीट ट्रांसफर है। और हीट ट्रांसफर को दिखाइए, हीट ट्रांसफर कैसा रहता है। देखिए, ये हीट ट्रांसफर, ये हीट ट्रांसफर होता है। इसको जो है ना, ऊपर जाके लगाया चिपकाया जाता है उससे। ये ब्रांड के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और धागा, और ये ड्रॉकोड होता है इस तरीके का। ये ड्रॉकोड जो है ना, ड्रॉकोड अगर नहीं समझ पा रहा है, डोरी बोलते हैं इसको वैसे तो, ठीक है। और क्या, और ये पीओ लेवल लगता है, उस तरीके से लगता है जैसे पीओ के हिसाब से चलता है ये। हाँ, जिस भी बिल का जो ऑर्डर होता है ना, उस बिल के अगेंस्ट में हम लगाते हैं कि हमें पता रहे कि हम कौन से बिल के अगेंस्ट में ये ऑर्डर बना रहे हैं। और ये एक बार कोड आता है, इसमें जो होता है MRP वगैरह लिखा हुआ होता है, ठीक है, कि ताकि कोई गारमेंट बाहर से, अगर स्टोर से बाहर निकलता है तो वो स्कैन हो सके। स्कैन अंदर होता है, ये देखिए, इसके अंदर स्कैन होता है। और एक ये भास्कर होता है, ये जिसमें हम कपड़े का कंटेंट यूज़ करते हैं, जिसमें कि उस कपड़े में क्या क्या चीज़ है, होता है। ठीक है, और बस चलिए, एक बार आपको हम स्टोर का राउंड करवा देते हैं। थोड़ा सा मेस्ड अप है, लेकिन क्या करें, अभी है ना, कुछ इस तरह से है, मैनेज कर पाना तो थोड़ा टफ है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि सही तरीके से। ठीक है, ये ड्रॉपर वगैरह, भागा वगैरह रखा हुआ है इसमें। आज के लिए तो इतना ही, और धीरे धीरे करके हम ऐसे आपको बताते जाएंगे कि हमारे इस एक्सपोर्ट लाइन में और क्या क्या हम काम करते हैं, ठीक है। तो भाई, अगर अच्छा लगा हो, और अगर आपको और बताइए कि हम इस टॉपिक में क्या क्या और बना सकते हैं, तो हमें कमेंट में बता दीजिएगा। और चैनल